जैक लिफ्ट मांग रहा होता है पर इसे लिफ्ट नहीं मिलती और ये पैदल ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये सामने से एक कार को आते हुए देखता है। ये कपल आपस में लड़ रहा होता है। जैक लड़की को बचाने के लिए लड़के को कार से घसीटकर उसे पीटने लगता है, पर तभी वो लड़की को वहीं छोड़कर कार लेकर भाग जाता है। ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ में ये पता चलता है कि इन्हें लिफ्ट इसलिए नहीं मिल रहा होता क्योंकि यहाँ पर आए दिन लोगों को कोई सीरियल किलर मार देता था। उसी किलर की डर की वजह से यहाँ पर कोई कार नहीं रोकता। अब ये रात होते ही वही जंगल में आग जलाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैक की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि लोरा वहाँ कहीं भी नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि लोरा तालाब में नहा रही है। वो भी उसके साथ नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो तालाब से निकलकर फिर से लिफ्ट मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है। ये आदमी गिजर्ड। कुछ देर बात करने के बाद गिजर्ड उन्हें अपने घर चलने को कहता है क्योंकि ये रात से भूखे थे तो ये मान जाते हैं। जैक को घर जाते ही नींद आ जाती है। जब वो उठता है तो रात हो चुकी थी। वो खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बिना बताए लोरा वहां से चली जाती है। जैक भी वहां से जा रहा होता है तभी पीछे से कोई उसे बेहोश कर देता है। ये आदमी है जोसेफ जो कि बिल्कुल साइको लग रहा था। इसने चारों ओर मरे हुए जानवरों की बॉडीज को लटकाया हुआ था। वो जैक के लिए एक सूप तैयार करता है, उसे पीने को कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके पैरों की अंगुलियां काट देगा।